दोस्तों, अगर आपके पास है ओप्पो A77S मोबाइल यानी ओप्पो A77S फोन, और इस फोन में दोस्तों किसी भी ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, इसके लिए फटाफट मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। जैसे ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ ऐप लॉक का ऑप्शन फिर से मिलेगा, इस पे इनेबल करना है। जैसे इनेबल करेंगे सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे अपना एक प्राइवेसी पासवर्ड बना लेना है, जैसे कि हम 77 करके यहाँ पे डाल लेंगे। यूज पे क्लिक करेंगे, दोबारा से 77 वही हम डाल देंगे, ठीक है। और डालने के बाद में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नाम वगैरह जो इच्छा हो डाल दीजिए, ठीक है। हमने दोस्तों यहाँ पे जो है VH डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे सही पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब जिस ऐप पे आपको फिंगरप्रिंट लगाना है, जैसे फेसबुक पे लगाना है, जिस जिस ऐप पे आपको लगाना है, इस प्रकार से ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको बैक जाना है, ठीक है। और एक बार बैक जाएंगे, बैक आ जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मिलेगा पासवर्ड सिक्योरिटी, इस पे जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और जो भी अपना स्क्रीन लॉक वगैरह डाल के रखा उसे डाल देना है। यहाँ पे मिलेगा ऐप लॉक, इसे इनेबल करना है, ठीक है। और जो भी अभी प्राइवेसी पासवर्ड आपने बनाया था ऐप लॉक करते समय, उसे दोस्तों यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ये वेरीफाई हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अगर फिंगरप्रिंट आपने पहले से लगा रखा है तो, अगर नहीं लगा के रखा है तो ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके अपना फिंगर लगा लीजिए, उसके बाद में इनेबल कर देना है, ठीक है। आपका सक्सेसफुली लग चुका है, यहाँ से बैक आ गए। अब दोस्तों जिस ऐप पे हमने लगाया था, मान लिया फेसबुक पे लगाया था, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हमारा फिंगर लगा है, ठीक है। सिंपली दोस्तों अपना जो फिंगर यहाँ पे लगाएंगे, ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है।